एक ऐसी बीमारी है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। हर साल लगभग 18 लाख लोग स्ट्रोक के शिकार होते हैं, जिसमें बुजुर्ग के साथ ही युवा और बच्चे भी शामिल हैं। रिसर्च बताती है कि स्ट्रोक से 10 से 15% मामले सिर्फ युवाओं में होते हैं। इस चीज के बारे में जागरूकता हो, इस उद्देश्य से वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर वॉकहार्ट हॉस्पिटल की ओर से एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई। क्या है वो पहल, आइए देखते हैं। हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि स्ट्रोक दिल की बीमारी है, लेकिन असल में यह दिमाग से जुड़ी होती है। कैंसर की तरह ही स्ट्रोक के कारण भी हर साल कई मौतें होती रही है, मगर फिर भी लोगों को स्ट्रोक डिजीज के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इस चीज की अहमियत को समझते हुए हर वर्ष लोगों में जागरूकता हो, इस उद्देश्य से वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, जिसके तहत इस साल स्ट्रोक डे के अवसर पर वॉकहार्ट हॉस्पिटल की ओर से एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्ट्रोक ग्रुप बनाने की जानकारी डॉक्टर अमित भट्टी ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत एक पेशेंट की सहायता करेगा। करतो है कि वॉकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर मध्ये आज आम्ही एक युनिक उपक्रम राबवत आहोत। आज आम्ही एक स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप, एक असा एक ग्रुप लॉन्च करत आहे, ज्याच्यामध्ये पेशंटच पेशंटचं सहाय करतील। बऱ्याच वेळा ॲज अ डॉक्टर पेशंट माझ्याशी त्यांच्या सगळ्या बाबी डिस्कस नाही करू शकत, पण जेव्हा एक पेशंट एक रुग्ण दुसऱ्या रुग्णाचं जेव्हा सहाय्य करतो, त्यांचं एक बॉन्ड वेगळा असतो, त्याच्याने जो सपोर्ट निर्माण होतो, एक बबल निर्माण होतो ज्याच्यात ते सेफ फील करतात, असा एक आमचा एक ग्रुप लॉन्च करण्याचा प्लॅन आहे। आणि हे फक्त पेशंटसाठीच नाही, त्यांच्या नातेवाईकांसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे, कारण बऱ्याच वेळा नातेवाईक पण यामुळे अफेक्ट होतात। पेशंटचं केअर करताना एक केअर गिव्हर बर्डन ज्याला म्हणतो आपण, एक अपंग जर नातेवाईक आहे, त्यांची काळजी घेत असताना त्यांनाही मानसिक त्रास होतो, तर याच्यामध्ये या सपोर्ट ग्रुपद्वारे ह्या सगळ्या ज्या बाबी आहेत, इमोशनल फॅक्टर्स, सायकोलॉजिकल स्ट्रेस, रिहॅबिलिटेशन, या सर्वांवर आम्हाला एक पेशंटमध्ये अवेअरनेस क्रिएट करून एक सपोर्ट ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांच्यात एक नवी ऊर्जाचा संचार करण्याचा आमचा हा उपक्रम आहे, त्याला आज आम्ही सुरुवात करतो आहे। बता दें कि स्ट्रोक 3 प्रकार के होते हैं और अलग अलग स्ट्रोक के प्रकार के अलग अलग कारण हो सकते हैं। स्ट्रोक की संभावना और उसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज नागपुर।